कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहाँ से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहाँ से आए? एम्स कहाँ से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था? ये मुमकिन होता आज? तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था, मोदी जी का था। तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, किसान किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा, भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूँ। मैंने पूछा, दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में एक बार एक महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक दो महीने और बैठूं, दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहाँ है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूँ, वहाँ नौकरी नहीं मिलती, वहाँ रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। क्या करते हैं? खाना पकाता हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने, जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने, देख लिया है जनता ने क्या किया क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए।